मैं भी सबसे बड़ा रीज़न इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अपने इतने साल के करियर में किसी फिल्म में काम नहीं किया जिसके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एक या एक से ज़्यादा एफटीआई वाले ना रहे हों। मैं एफटीआई से नहीं हूँ, लेकिन अगर वो लोग इतने अच्छे नहीं होते, अगर ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो थोड़ा बहुत मेरे से काम हुआ है और जो लोगों को अच्छा लगा है क्योंकि हमारा कोलैबोरेटिव काम है, वो उसके बाल बराबर भी नहीं होता। इसलिए आए हैं। हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो फिल्म वाले लोग वैसे भी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं क्योंकि हमारी थिएटरों पे पत्थर पड़ते हैं, हमारी फिल्में बैन हो जाती हैं, तो हम तो वैसे ही बचते हैं क्योंकि हमारा कभी अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं पॉलिटिक्स के साथ। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जब से ये चल रहा है मैं खुद खोज रहा हूँ और मुझे नहीं मिला। कुछ महीने पहले बात हुई थी बजट में सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनेगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे लगा यार जैसे IITs हैं, जैसे IIMs हैं, फिल्म एजुकेशन का भी ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा, सपोर्ट भी होगी और फ्रीडम भी होगा, पैसा और आएगा। इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पे, मराठी है, हिंदी है, साउथ में 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ हैं, पंजाबी इंडस्ट्री अब अच्छा कर रही है। सेंटर फॉर एक्सेलेंस अगर बनना है तो अगर हर बजट में साथ साथ IIT की बात होती है तो साथ साथ FTII की क्यों नहीं बात होती। हज़ारों चैनल हैं हमारे यहाँ, चाहे दुनिया में सबसे ज़्यादा TV चैनल हमारे, प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे? प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं आ सकते, कोई फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरी चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आती कि सब लोग अब अखबारों में आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है फिल्म या आर्ट एजुकेशन, और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत अमीर है और उनके हवाले कर देते आप चला लो। तो जो IIT ग्रेजुएट जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं वो तो हमसे हज़ारों गुना अमीर है, वो भी खुद चला लो। IIMs जो हैं वो तो और भी ज़्यादा अमीर है, उनके ग्रेजुएट जहाँ जाते हैं वो तो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो वो भी आप चला लो। ये कैसे हो सकता है कि हमारे फील्ड में जो कि ग्रोइंग फील्ड है, जो कि सनराइज इंडस्ट्री मानी जाती है, वहाँ पे क्या हमें ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए? क्या हमें टैलेंट नहीं चाहिए? हम स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप चलाते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, इंडिया भर से इतने सारे स्टूडेंट स्क्रीन राइटर्स बनना चाहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। हर जगह क्यों ना हो इंस्टीट्यूट स्क्रीन राइटिंग कोर्सेज, फिल्म मेकिंग कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, सिर्फ FTII क्यों ना? तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर बिजनेस एजुकेशन गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग एजुकेशन गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा है, तो आर्ट्स और साइंस में ऐसी क्या बीमारी है यार, हम वायरस हैं क्या कोई? अनदर थिंग इज के अब अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये बदतमीज़ हैं, इन्होंने ये कर दिया, ये पढ़ते नहीं हैं, ये वो नहीं करते, स्ट्राइक्स कर दी इन्होंने, कोई कहता है 7 स्ट्राइक हैं, कहीं से आता है इतनी स्ट्राइक हैं। बट जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, मुझे कभी थोड़ा जनरेशन गैप भी लगता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, सब तो स्टूडेंट लीडर थे, सबने अपने टाइम में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स की थी, एमरजेंसी के टाइम अभी 1 महीना पहले सबने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया और देश ने भी सपोर्ट किया था कि वो सब आज के बड़े लीडर तब स्टूडेंट लीडर थे और शायद सिमिलर रीजंस की वजह से ही वो लोग उस टाइम खड़े हुए थे और उनमें से तो कोई ख़राब नहीं निकला, वो सब तो अच्छे ही निकले, उन्होंने अच्छे उनके अपने करियर भी हो गया, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजिशन में भी काम किया, कंट्री के लिए भी काम किया। तो बड़ी जनरेशन करे तो देश सेवा है, नेक्स्ट जनरेशन करे तो कैरेक्टर ढीला है, यही क्या लॉजिक है? That's what I want to say.